नमस्कार किसान भाइयों, कृषि फाई के खेती समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राशि आपके साथ। बड़ी खबरों की ओर रुख करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। इस वर्ष रिकॉर्ड उत्पादन का अनुमान। देशी नस्लों की पहचान के लिए चल रहा है अभियान। जल्द शुरू होगी पशुओं के लिए एम्बुलेंस। और किसानों को मिलेगी 10,000 रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने कृषि वर्ष 2022-23 के लिए मुख्य फसलों के उत्पादन का दूसरा अग्रिम अनुमान जारी कर दिया है। इसमें चावल, गेहूं, मक्का, चना, मूंग, सरसों और गन्ने का रिकॉर्ड तोड़ 3,235.54 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन होने का अनुमान लगाया जा रहा है। अनुमान के मुताबिक मक्के का उत्पादन 346.13 लाख और चावल का उत्पादन 1,308.37 लाख टन होने का अनुमान है। गेहूं का उत्पादन 1,121, श्री अन्न का उत्पादन 527.26 लाख टन और दलहन का उत्पादन 278.10 लाख टन होने का अनुमान है। ICAR के द्वारा 28 नई पंजीकृत नस्लों का पंजीकरण प्रमाण पत्र वितरित करने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पशुपालकों को प्रमाण पत्र वितरित किए। इन नस्लों में सुअर की 5, भैंस की 4, बकरी और कुत्ते की 3-3, भेड़, गधे और बत्तख की 1-1 नस्ल शामिल है। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश में करीबन आधी स्वदेशी पशुधन नस्लों को अभी तक वर्गीकृत नहीं किया गया है। हमें जल्द से जल्द ऐसी नस्लों की पहचान करना बहुत जरूरी है, ताकि नस्लों को बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि देश में ऐसी नस्लों की पहचान के लिए एक विशेष अभियान भी शुरू किया गया है। देश में कई गंभीर बीमारियों के कारण पशुओं की मौत हो जाती है। आने वाले समय में दुधारू पशुओं को गंभीर बीमारियों से जल्द बचाया जा सके, इसके लिए हरियाणा सरकार राज्य में पशुओं को अच्छा उपचार देने के लिए जल्द ही 112 योजना की तर्ज पर डायल 200 एम्बुलेंस शुरू करने जा रही है। ये एम्बुलेंस सेवा केंद्रीकृत होगी, जिसके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा। पशु चिकित्सक एवं स्टाफ के साथ साथ जरूरी दवाएं इसमें दी जाएंगी। इसके साथ ही पशुपालक तक एम्बुलेंस के पहुंचने में लगने वाले समय, उपचार, गुणवत्ता और पशुपालक की फीडबैक आदि की मॉनिटरिंग की जाएगी। कर्नाटक सरकार भूश्री योजना के तहत किसानों को 10,000 रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी देगी। इसके अलावा इस साल 30 लाख से अधिक किसानों को 25,000 करोड़ रुपए का कर्ज बांटा जाएगा। इससे राज्य के करीब 50 लाख किसानों को लाभ होगा। साथ ही श्रम शक्ति योजना के तहत भूमिहीन महिला खेतिहर मजदूरों को DBT के माध्यम से हर महीने 500 रुपए दिए जाएंगे। वहीं CM विद्या शक्ति योजना के तहत सरकारी माध्यमिक विद्यालयों एवं सरकारी डिग्री कॉलेजों में मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। इसके साथ ही किसानों को दिए जाने वाले ब्याज मुक्त शॉर्ट टर्म लोन की लिमिट को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया जाएगा। तो किसान भाइयों, हमारा ये बुलेटिन आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही खेती बाड़ी और किसानों से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कृषि फाई के साथ। धन्यवाद।